entertain somebody for a while, it's a good thing. So I think I'm proudest of the fact that maybe some of the things I've done have entertained people. And you know, whether that's Spider-Man or Sergeant Fury and his Howling Commandos or the thing yelling Clobbering Time, whatever it is, I'm happy that some people have enjoyed it. आज हम बात करने वाले हैं सुपर हीरोज़ के फादर लेजेंड स्टैनली सर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में। आप सभी को तो पता ही होगा कि लेजेंड स्टैनली सर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। यह बात है 12 तारीख की रात की। मैं चैनल के लिए कुछ वीडियो बना रहा था, करीब रात के 12 बजे थे। मुझे एक फेसबुक पर मैसेज आया मेरे दोस्त सिद्धार्थ का, उसमें एक लिंक दी थी, उसमें लिखा था कि स्टैनली अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। फिर मेरे ट्विटर पर भी कुछ ऐसी ही लिंक मुझे देखने मिली। ये सब पढ़ के मेरा दिल बैठ गया। मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, आँखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। ऐसे लग रहा था कि मेरे दादाजी गुजर गए हो। यही बात मेरे दोस्त ने भी मुझसे उस रात कही थी। उस रात तो मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाया, क्योंकि मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई थी उनसे। जब से स्पाइडरमैन देखता था मैं, तब से उनको पहचानता था। सिर्फ मुझे उनका नाम नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कि ये स्पाइडरमैन के क्रिएटर है। फिर कुछ सालों बाद मुझे उनका नाम भी पता चला, जो है स्टैनली मार्टिन लाइबर। अब तो उन्हें पूरी दुनिया ही जानती है स्टैनली के नाम से। स्टैनली सर का जन्म 28 दिसंबर 1922 में मैनहट्टन में हुआ था। उनकी माँ का नाम था सिलिया और पिता का नाम था जैक लाइबर। उन्हें एक छोटा भाई भी था, लैरी लाइबर। उनकी फैमिली 1720 से ब्रॉन्क्स में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी, जो कि आज ईस्ट मैनहट्टन के नाम से जाना जाता है। उनके पिता एक अच्छे ड्रेस कटर थे, इससे ही उनका घर चलता था। उन्होंने डेविड क्लिंटन हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। वो बचपन से ही गरीब फैमिली से थे, उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। उनको लिखने का बड़ा ही शौक था। उनका यह सपना था कि वो एक दिन ग्रेट अमेरिकन नॉवेल लिखे। स्टैनली सर ने कई सारे पार्ट टाइम जॉब्स किए हैं, न्यूज़पेपर में राइटिंग, सैंडविच डिलीवरी बॉय, ऑफिस बॉय जैसे उन्होंने पार्ट टाइम जॉब्स भी किए हैं। 1939 में वो जब 16 साल के थे, तब उन्होंने अपनी पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। 1939 में वो अपने अंकल रॉबिन सोलमन की मदद से टाइमली कॉमिक्स में जॉब करने लगे। उनका काम था पेन में शाही भरना, फाइनल कॉमिक्स के पेजेस से पेंसिल्स की लाइन मिटाना। कुछ दिनों में उनको टेक्स्ट फिलिंग का काम मिला, तब उनका पहली बार एक कॉमिक्स में नाम आया, जो कि थी कैप्टन अमेरिका इशू 3 में, जिसका नाम था कैप्टन अमेरिका फॉइल्स द ट्रेटर्स रिवेंज। एज अ टेक्स्ट फिलर ये आई थी 1941 में। उस जमाने में कॉमिक बुक राइटर के जॉब कोई अच्छा जॉब नहीं था, इसके चलते उन्होंने कॉमिक्स पर अपना नाम स्टैनली रखा था, ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। अगर कोई उनसे पूछता था कि आप काम क्या करते हो, तो वो कुछ और बताते थे, और अगर गलती से कोई ज़बरदस्ती से उनसे पूछे कि सच बताओ क्या करते हो, तो वो वहाँ से भाग जाते थे। स्टैनली सर को 1941 में हेडलाइन हंटर की उपाधि मिली थी। उनकी पहली कॉमिक्स थी डिस्ट्रॉयर, जो कि मिस्टिक कॉमिक्स इशू 6 में अगस्त 94 में रिलीज हुई थी। उस टाइम में उन्होंने कई सारे कैरेक्टर्स क्रिएट किए, जैसे कि जैक फ्रॉस्ट, US कॉमिक्स इशू 1 और कैप्टन अमेरिका इशू 6 से उन्होंने फादर टाइम्स की शुरुआत की। उसी वक्त उनका काम देखते हुए गुडमैन ने उन्हें अंतरिम संपादक की पोस्ट दी। ये सब करते समय उनकी उम्र महज 19 साल की थी। फिर कुछ दिनों में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो स्टैनली सर ने 1942 में US आर्मी ज्वाइन कर ली। वहाँ वो टेलीफोन और कुछ डिजिटल चीज़ों को रिपेयर करते थे। बाद में उन्हें फिल्म डिवीजन में भेजा गया, जहाँ वो फिल्मों की ट्रेनिंग देते थे, कभी कभी कार्टून भी लिख लेते थे। उनको वहाँ पर सारे आर्मी लोग नाटककार ही कहते थे। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उन्होंने 1947 में ब्रिटिश मॉडल जोआन वोकॉक से शादी कर ली। 1950 में उन्होंने अटलांटिस कॉमिक्स ज्वाइन की, जहाँ वो लव स्टोरी वेस्टर्न हॉरर टाइप्स की कहानियाँ लिखते थे। इस साल के एंड तक उन्होंने इस फील्ड को छोड़ने का फैसला किया था। दूसरी तरफ DC कॉमिक्स को अपने न्यू कॉमिक्स की सक्सेस प्राप्त हुई थी। उस कॉमिक्स का नाम था जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका। तो स्टैनली को फिर से बुलाया गया एक न्यू सुपर हीरो की कॉमिक्स बनाने के लिए। तब उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि वो कहानी लिखे जिसे वो पसंद करते हैं, क्योंकि वह अपने करियर को बदलने की कोशिश कर रहे थे और हारने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं था। इससे वो ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि बिल्स पे करने तक के भी पैसे उनके पास नहीं होते थे। कुछ दिनों में जैक क्रिब्रे और स्टैनली ने मिलकर फैंटास्टिक फोर बनाई, जिससे उनकी टीम को पॉपुलैरिटी मिली। ऐसे ही अटलास कॉमिक्स बना मार्वल कॉमिक्स,
ये बात थी 1961 की। फिर स्टैनली और जैक किर्बी ने मिलके एक्समैन, हल्क, थॉर, आयरन मैन, डेयर डेविल, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी कॉमिक्स बनाई। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने फैंटास्टिक फोर और हल्क बनाई तो उसका कलर टोन कुछ ग्रे रखा था, ना कि ग्रीन। पर प्रिंटिंग करते समय जो स्किन टोन था वो कलर ग्रे से लाइट ग्रे या कभी कभी ब्लैक हो जाता था। इस इशू के चलते उन्होंने नेक्स्ट अपनी कॉमिक इशू को ग्रीन कलर टोन में रखा ताकि प्रिंटिंग में इशू ना आए। 1962 के समर में एक दिन उनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि वो कोई न्यू सुपर हीरो बनाए। तब वो सोचते सोचते दीवार पर देखने लगे, वहाँ उन्हें मक्खी दिखी। तब उनको लगा कि हीरो भी कुछ ऐसा करे। तो ये पूरा आइडिया उन्होंने उनके बॉस को बताया कि पीटर पार्कर नाम का एक लड़का है, इस तरह से उड़ेगा, इस तरह से फ्लाई करेगा। तो उनका ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो टाइम कोई भी स्पाइडर्स को पसंद नहीं करता था। बॉस ने कहा कि कोई नहीं खरीदेगा तुम्हारी कॉमिक्स, कॉमिक्स बिकती है तो सिर्फ साइड किक से। और उनको नाम भी पसंद नहीं आया था कि क्या बोल के बेचोगे ये कॉमिक्स कि इसमें स्पाइडर है। पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। वो कॉमिक्स बनी और 1962 की ह्यूज सक्सेस रही। स्पाइडरमैन की कॉमिक स्ट्रिप्स 500 से ज़्यादा न्यूज़पेपर में पूरे वर्ल्ड में दिखाई गई और स्पाइडरमैन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मार्वल कैरेक्टर बन गया। गुडमैन ने एक दिन स्टैनली से कहा कि एक ऐसा कैरेक्टर बनाओ कि जिसे लोग प्यार भी करें, नफरत भी करें, जिसके पास पैसा भी हो और कुछ इंटेलिजेंट भी हो वो कैरेक्टर। और फिर स्टैनली सर ने बनाया आयरन मैन, ये भी एक मार्वल का सक्सेसफुल सुपर हीरो है। ऐसे ही स्टैनली और जैक किर्बी ने मिलकर एवेंजर बनाई जिसमें उन्होंने 1940 की द सबमरीनर और कैप्टन अमेरिका को ऐड किया। 1944 में कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट लाइव एक्शन मूवी बनी थी जो कि फ्लॉप रही। फिर उसके बाद डायरेक्ट 1986 में हॉवर्ड द डक बनाई गई। फिर 1989 में द पनिशर बनाई गई। फिर 1990 में कैप्टन अमेरिका। फिर 1994 में द फैंटास्टिक फोर। ये तो सारी मूवीज तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, पर 1998 में ब्लेड मूवी ने अच्छी खासी कमाई की और मार्वल स्टूडियो के अरमान फिर से जगा दिए। पर 2000 साल में आई एक्समैन ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। ये मार्वल स्टूडियो की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही उस टाइम में। फिर तो मार्वल स्टूडियो कहीं रुका ही नहीं। फिर हर साल मार्वल 3 से 4 मूवीज बनाता गया। फिर आया वो एक दिन जिस दिन को किसी ने भी नहीं सोचा था। तारीख थी 2 मई 2008, आयरन मैन मूवी रिलीज होने का दिन था। इस फिल्म में ऐसी कमाई की कि मार्वल ने एवेंजर का सपना देखना शुरू कर दिया था। कॉमिक कॉन 2008 में स्टैनली सर ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में एक बात कही कि इनका जन्म सिर्फ आयरन मैन के किरदार निभाने के लिए हुआ है। स्टैनली ने बताया कि आयरन मैन बनाते वक्त मुझे इनके जैसा ही एक फेस दिख रहा था, उसी को इमेजिन कर करके मैंने ये सुपर हीरो बनाया है। ये सुन के रॉबर्ट डाउनी जूनियर की आंखें भर आई थी। उन्होंने जाके तुरंत स्टैनली को हक कर लिया था। स्टैनली सर को 2 बेटियां हैं जिनमें से एक बेटी जैन की तीसरे दिन ही डेथ हो गई थी। ये उनके लाइफ का सबसे बड़ा हार्ड टाइम था। और दूसरी बेटी जोआनी एक आर्टिस्ट है। स्टैनली सर एक हार्डवर्किंग आर्टिस्ट है जो कि 80 साल के होने के बाद भी 6 घंटे तक ऑफिस में काम करते थे। उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। उनकी पत्नी जोआन की डेथ 2017 में स्ट्रोक के कारण हुई थी। स्टैनली पिछले 1 साल से इलनेस और विजन प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। ज़्यादातर वो हॉस्पिटल में रहने लगे थे। उनकी बेटी ने उनके डेथ के दिन कुछ शब्द कहे हैं, माय फादर लव्ड ऑल ऑफ हिज फैंस, ही वाज द ग्रेटेस्ट मोस्ट डिसेंट मैन। स्टैनली सर तो नहीं रहे हमारे बीच, पर उनके बनाए हुए सुपर हीरोज हमेशा उनका एहसास देते रहेंगे। वी मिस यू सर। आई थिंक व्हाटएवर यू डू, यू शुड डू व्हाट यू मोस्ट वांट टू डू एंड व्हाट यू आर बेस्ट एट। टू मेनी पीपल डोंट रियली डू what their heart's desire is, but they try to do something else because they think, well, it'll be easier to get a job or to make money. And if that happens, then when you're doing it, you feel like you're working. But if you do what you really want to do, you feel like you're playing. It's easier for you to do. That is hilarious. Nice suit. Zip it, Stan Lee! Oh, man. Anyway, before I was so rudely interrupted, at that time, I was a Federal Express man. Hey, fellas. Hey, wait, where are you going? Hey, you were supposed to be my lift home. How will I get out of here? Hey, I've got so many more stories to tell. Guys. I was just trying to... My car! Yo! I'm working nice. Come on, dude.
That's not your car. What that's am I supposed to know? It's his car. What is that doing? Every day with these damn alarms. Shut it off. Don't make me come down there, you punk. Hey, Gary. How you doing? Marjorie, how are you? How's your mother? Don't you move. My hands aren't as steady as they used to be. By Odin's beard, you shall not cut my hair, lest you feel the wrath of the mighty Thor. Please, kind sir, do not cut my hair. No! No! We're here. Hey, you won. You know what? I think I'll just take these, bring them over here, and hold on for safekeeping. Mm-hmm. What's the matter with you kids? You never seen a spaceship before? Well, the 60s were fun, but now I'm paying for it. Hey, don't give up on her. Either of you. We won't. Who's that guy? Okay. Wait, this thing looks delicious.